हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज का जो वीडियो है वो है आपका इंटरनल असाइनमेंट ऑफ एमए हिंदी प्रीवियस के। तो अभी मैंने आपके लिए एक हिंदी पीडीएफ की जो तैयार कर दिया है, जिसमें केवल एक पीडीएफ में आपको जो पूरे आंसर है वो आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो पेपर है आपका वीओमयू के जो इंटरनल असाइनमेंट है, जो कि लगभग अभी इस तरह के आने लगे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो एमए एचडी जो पहला पेपर है, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, तो क्वेश्चन आप मिलान करें तुलसीदास कवितावली की दो भाषागत विशेषताएं लिखिए, भ्रमर गीत संवाद किस काव्य धारा से संबंधित है, पद्मावत की रचना में किस भाषा और छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, तो इसके जो आंसर है वो यहाँ पे तैयार कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि केवल एक पीडीएफ में आपको ये जो पूरे आंसर है वो आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा जहां से आप मुझे व्हाट्सअप करके ये पीडीएफ ले सकेंगे। तो सेकंड पेपर की हम बात करें तो MAHD 02 जो पेपर है, आधुनिक काव्य, तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिलता है, इस तरह की जो वर्कशीट मिलती है इसमें आपको आंसर भरना होता है। जैसे कि देख सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त की दो काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो आपने जो आंसर है, आपको जो कुछ जो जगह दी हुई होती है उसी जगह के अंदर ही आपको अपने आंसर जो है वो फिल करने होते हैं। तो सेकंड पेपर का आप देख सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त की दो काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो इस तरह की जो आपको पीडीएफ मिलती है उसी के अंदर आपको अपना आंसर लिखना होता है। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के लास्ट में मैं आपको नंबर दे दूंगा। और अगर आप ये इंटरनल असाइनमेंट में अगर कुछ हेल्प चाहते हैं बनवाने में, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए अगर बनवाने में, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। केवल आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, आप व्हाट्सअप पे आप जानकारी ले सकते हैं। तो पेपर नंबर 3 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आप मिलान करें और इसकी जो पीडीएफ है वो बिल्कुल एक साथ तैयार कर दी गई है और आंसर बहुत बढ़िया तरीके से मतलब इसके सेट किए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 35 पेज की जो ये पीडीएफ है ये आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हिंदी साहित्य का इतिहास तीसरा नंबर का जो पेपर है, और फोर्थ पेपर पे अगर हम चलते हैं तो फोर्थ पेपर है आपका काव्य शास्त्र एवं समालोचना। तो MAHD जो पेपर है आपका सेशन जो 2020-21 का वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काव्य शास्त्र समालोचना। और इसका जो आंसर क्वेश्चन है वो आप देखिए, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है, तो ये आप एक बार यहाँ पे जरूर चेक करें। और उसके बाद आप अगला जो पेपर है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगला पेपर आपको जो मिलने वाला है, इसमें यहाँ पे आप देखें तो इस तरह की जो पीडीएफ है वो आपको एक साथ दे दी जाएगी, और कंप्लीट पीडीएफ है जो चौथा नंबर का जो पेपर है उसका भी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं काव्य शास्त्र में समालोचना एमए हिंदी प्रीवियस का MAHD 04 इसका कोड नंबर है। और अगर आप ये असाइनमेंट चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, केवल आप व्हाट्सअप करें। और जल्दी से अपनी जो पीडीएफ है इसकी लास्ट डेट वैसे निकलने वाली है, जल्दी से जल्दी इसको जमा करवा दें, नहीं तो आपके जो रिजल्ट होगा उसमें आप शो नहीं कर पाएंगे। तो वेबसाइट से जल्दी से अपना एनरोलमेंट नंबर और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आप ओपन करें, पासवर्ड को जनरेट करें, और मैंने एक वीडियो पहले ऑलरेडी डाल रखा है कि किस तरह से आपको डालना है। उसके बाद अपना एक नया पासवर्ड रख सकते हैं, लेकिन उसमें जो ऑप्शन है उसमें अपना पुराना पासवर्ड मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और उसके बाद आपको उसको ओपन करके आपको वापस से 4 MB की फाइल भी, और फाइल का नाम वही रहेगा जो फाइल का नाम है। तो जल्दी से आप इसको डाउनलोड करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।